नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है। बीबा से कमेंट था कि मेरी बेटी का भी 20 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी तक पीरियड नहीं आया है। क्या कारण हो सकता है जिसके कारण 20 साल की उम्र निकल जाने के बाद भी पीरियड नहीं आ रहा है? तो वैसे तो मैं एक बात बता दूं आपको, 11 साल से 14 साल की उम्र में लड़कियों का पीरियड आ जाता है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि 20 साल की उम्र हो चुकी है लेकिन पीरियड नहीं आया है, हो सकता है किसी तरह की कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जिसके कारण ये समस्या आ जाती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन जो मेन रीज़न होते हैं, मैं आपको बता दूं कि क्या मेन रीज़न हो सकते हैं। यदि थायराइड की प्रॉब्लम है लड़कियों में, जिसके कारण वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापापन ज़्यादा आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण पीरियड काफ़ी लेट हो जाते हैं। जिस उम्र में आने चाहिए उस उम्र में नहीं आते हैं, तो एक थायराइड भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। दूसरा, यदि लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जिसके कारण हार्मोनल बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है जिसके कारण पीरियड काफ़ी लेट हो जाते हैं। और यदि लड़कियां किसी तरह की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं या खेल में बहुत ज़्यादा रुझान रखती हैं, बहुत ज़्यादा खेल खेलती हैं, तो उसके कारण भी पीरियड लेट हो जाते हैं। और जो 11 से 14 साल की उम्र में पीरियड आने चाहिए वो नहीं आते हैं, और किसी किसी लड़की का 18 साल में आते हैं, 20 साल में आते हैं, 20 साल बाद आते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है। यदि लड़कियां बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, किसी तरह की सोचा विचारी दिमाग में उनकी चलती रहती है, जिसके कारण भी हार्मोनल बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसलिए यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा टेंशन ना लें। आप अपनी बेटी को किसी गायनेकोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, अच्छी डॉक्टर होती है, उनको दिखाएं, जिससे कि जो डॉक्टर हैं किसी तरह के जिनको टेस्ट लगते हैं वो टेस्ट कराएंगे, और हो सकता है सोनोग्राफी की ज़रूरत हो USG की तो वो भी करा सकते हैं, और उसके हिसाब से ही डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट चलना है, और उसके कारण आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी तक पीरियड नहीं आया है। तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना, बस किसी अच्छी गायनेकोलॉजी डॉक्टर को दिखाना है जिससे कि आपकी बेटी की समस्या दूर हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।